मिट्टी की बिल्ली चंदा अपने पति के साथ कुम्हार का काम किया करती थी। पति पत्नी दोनों मिलके गर्मियों के लिए लोगों के लिए मिट्टी के घड़े बनाकर बाजार में बेचा करते थे। उनका एक ही छोटा सा बेटा था जिसका नाम था भोला। भोला बहुत नटखट और शरारती था। एक दिन चंदा का पति बाजार गया हुआ था। पीछे से चंदा ने घर का सारा काम निपटाया और घड़ों में रंग करने के लिए बैठ गई। माँ तुम क्या कर रही हो? देखता नहीं, रंग कर रही हूँ घड़ों पर। तुम्हारे बापू बाजार गए हैं, अभी तुम्हारे लिए मिठाई लाते होंगे। आज बहुत से घड़े बिक जाएं, बस यही चाहती हूँ। माँ अभी तो मैं देख रहा हूँ कि मिट्टी का कोई कुछ नहीं कर रहा, क्या थोड़ी सी मिट्टी से मैं खेल सकता हूँ? अरे अरे अपने हाथ क्यों गंदे करता है रे? माँ मुझे भी करना है कुछ, करने दो ना। अच्छा अच्छा जा ठीक है, लेकिन जल्दी, ज्यादा देर मिट्टी में हाथ मत घुमाना और फिर नहाना भी तो है। अच्छा माँ। भोला गीली मिट्टी को लेकर के उसे गूंधने लगता है और बहुत प्यार से, आज मैं एक शेर बनाऊंगा, उस शेर से सब डर जाएंगे, हमारे घर में कोई चूहा नहीं रहेगा और मेरे दोस्त मेरे शेर को देखकर हैरान रह जाएंगे। भोला बहुत कोशिश करके एक छोटा सा शेर बना लेता है और भागता हुआ अपनी माँ के पास आता है। माँ माँ देखो देखो मैंने कितना सुंदर शेर बनाया, देखो ना। अरे ये कोई शेर है? ये तो मिट्टी की बिल्ली है। बिल्ली शेर तो ऐसा होना चाहिए कि हर कोई डर जाए, ये तो बिल्ली लग रहा है। नहीं माँ ये शेर है, ऐसा मत कहो ना। तो क्या हुआ, शेर ना सही बिल्ली भी बहुत प्यारी होती है, शेर के परिवार की सदस्य ही होती है बिल्ली। माँ इनमें भी रंग कर दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ला अपनी बिल्ली मुझे दे। भोला की माँ चंदा बिल्ली के ऊपर बहुत प्यारा सा रंग कर देती है। भोला अपनी बिल्ली को लेकर खेलने लगता है। उसे खेलता हुआ एक गरीब लड़की दूर से देखती है और बहुत खुश हो जाती है। उसकी आंखें लगातार उस बिल्ली को देख रही थी, लेकिन वो अपने मुंह से कभी कुछ नहीं कहती। उस गरीब बच्ची के पिता भोला के घर के सामने मरम्मत का काम कर रहे थे। वहीं पर वो बच्ची सारा दिन खेलती, लेकिन उसकी नजर हमेशा भोला की मिट्टी की बिल्ली पर रहती। एक दिन भोला समझ गया कि वो लगातार उस बिल्ली को क्यों देखती है। वो बहुत गरीब है और बिल्ली ना तो खरीद सकती है और ना ही बना सकती है। वो चुपचाप जाकर वो मिट्टी की बिल्ली उस बच्ची के हाथ में थमा कर आता है। ऐसा करता देख चंदा उसे देख लेती है। अरे अरे अपनी पसंद की अपने हाथ से बनी तू उस बच्ची को दे आया बेटा? हाँ माँ वो मुझे रोज इस तरह देखती है ललचाई नजरों से, उसके पास खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं और शहर से पिताजी मेरे लिए कितने सारे खिलौने लाए हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा बिना खिलौने के रहे। अरे मेरे लाडले तूने तो आज बहुत अच्छा काम किया, चल अंदर आके खाना खा ले। मुर्गी का मिट्टी का अंडा। शरद और शीला दोनों कुम्हार थे। दोनों पति पत्नी बड़े आराम से अपने घर में छोटे छोटे बच्चों के खिलौने मिट्टी के बनाते और उन्हें बाजार में बेच दिया करते थे। उनका गुजारा बहुत अच्छे से चल रहा था। दोनों के पास दो मुर्गियाँ थीं। एक का नाम था गोली और दूसरी का नाम था गुनगुन। गोली हर रोज 2-3 अंडे दे दिया करती थी जिससे उनका गुजारा होता था। वो सुबह शाम अंडे खाते और कभी कभी सब्जी बना लेते, इस तरह से उनका गुजारा चलता। लेकिन जो दूसरी मुर्गी थी जिसका नाम गुनगुन था, वो कभी अंडा नहीं देती थी। इस बात पर एक दिन शीला ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो ये गुनगुन तो किसी काम की मुर्गी नहीं, देखो ना गोली हर रोज 3-4 अंडे दे देती है। नाश्ता और दोपहर का खाना तो आराम से हो जाता है, बस एक समय की सब्जी बाजार से लानी पड़ती है, और ये गुनगुन के लिए तो हर रोज खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, दाने देने पड़ते हैं, इसे नहलाना धुलाना, ना जाने 100-100 काम, और देखो ना एक भी अंडा आज तक न दे पाई है। क्या कहते हो इसे पकाकर खा लें क्या? क्या कह रही हो तुम, इसे हमने छुटपन से पाला है, इसे हम कैसे मार सकते हैं? बाकी जैसा तुम ठीक समझो। हाँ शायद तुम ठीक कहते हो। गोली गुनगुन को समझाती है। गुनगुन अगर तुम्हें इन्होंने मार दिया तो मेरा क्या होगा, मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगी, और जिस दिन मैंने अंडे देना बंद कर दिया ये लोग मुझे भी मार देंगे।
हाँ बहन, मैं क्या करूँ, मेरे पास अंडे नहीं है देने के लिए। पर देखो ना, मैंने शीला को मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कई बार देखा है, और जानती हो मैं भी धीरे धीरे मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रही हूँ। क्या कहा, मिट्टी के बर्तन? एक मुर्गी होकर तुम मिट्टी के बर्तन बनाओगी? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। गुनगुन धीरे धीरे एक अंडा बनाने की कोशिश कर रही थी, जो देखने में हूबहू असली अंडे जैसा दिखता था। गोली ने उसे देखकर कहा, अरे वाह, ये तो सच में असली अंडा लगता है, बस रंग का भेद है। इस अंडे को तुम्हें शीला को दिखाना चाहिए, अगर ये अंडा शीला और शरद ने देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी गुनगुन। हाँ, यही मैं चाहती हूँ। अगले दिन शीला जब मारने के लिए गुनगुन के पास आती है तो देखती है कि गुनगुन ने बहुत सारे मिट्टी के अंडे बना कर रखे हैं। अरे ये क्या, अच्छा सच, ये तुमने बनाया क्या गुनगुन? गुनगुन सर हिलाती है। कुछ ही देर में शीला के पास एक साहूकार आता है और वो अपने बच्चे के लिए कुछ खिलौने लेना चाहता है। उसका बच्चा अंडों के पास जाकर कहता है, पापा पापा ये अंडे देखो ना, मुझे यही लेने हैं। अच्छी कीमत पर शीला उन अंडों को बेच देती है और फिर वो सबसे कहती है, मेरे पास एक मुर्गी है जो कुम्हार है, खुद अपने हाथों से अंडे बनाती है, कहिए कौन लेना चाहेगा। और इस तरह लोगों की भीड़ उसके घर में लग जाती और लोग वो अंडा खरीदना चाहते थे जो मुर्गी अपने हाथ से बनाती है। भगवान तुम्हारा शुक्रिया, मैं अंडे ना दे सकी लेकिन ये हुनर देकर तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तोता हरे रंग का। मिठू नाम का तोता एक बड़े से विशाल पेड़ के ऊपर रहा करता था। मिठू तोते की चोंच लाल रंग की थी और वो हरे रंग का था। वो इतना खूबसूरत था कि हर कोई जो उसे मिलता उसकी खूबसूरती की तारीफ करता। जिस पेड़ पर मिठू रहता था उसकी पत्तियां भी हरे रंग की थी। एक दिन एक मोर ने मिठू तोते से कहा, कैसे हो मिठू तोते? मैं ठीक हूँ। तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम भी। देखो तुम्हारा रंग कितना खिल गया है, अब तुम बड़े हो गए हो ना? सच? हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ। थोड़ी देर बाद एक बिल्ली उससे मिलने के लिए आती है। कैसे हो मिठू तोता, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा हूँ। आप कैसी हो बिल्ली रानी? मैं भी ठीक हूँ। मैं भी जा रही हूँ, कहीं मुझे दूध मिल जाए तो मजा आ जाए, बहुत दिनों से मैंने दूध नहीं पिया। अरे मिठू तोता, तुम तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। सच? हाँ। थोड़ी देर बाद एक कोयल उससे मिलने के लिए आती है। अरे मिठू तोता, तुम कितने खूबसूरत लग रहे हो, भगवान ने तुम्हें कितना प्यारा रंग दिया है, और तुम इतनी प्यारी मीठी मीठी बातें भी करते हो। मुझे देखो, मैं सुंदर गाना गाती हूँ मगर मेरा शरीर पूरा का पूरा काला है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, सब मेरी आवाज को ही पसंद करते हैं। मिठू तोता और कोयल की अच्छी दोस्ती थी। मिठू तोता उदास बैठा हुआ था, इसीलिए कोयल ने पूछा, अरे अरे तुम उदास क्यों बैठे हो, बात क्या है? मिठू बताओ मुझे। मैं इतना खूबसूरत हूँ तो मैं खुद को देख क्यों नहीं सकता? सब कहते हैं मेरा रंग बहुत प्यारा है, लेकिन मैंने तो खुद को कभी देखा ही नहीं। ऐसी बात है, तो चलो मेरे साथ। कोयल उसे तालाब के पास ले जाती है और कहती है, अब ध्यान से इस कमल की पत्ती पर बैठ जाओ और ध्यान से इस तालाब के बीच में देखो, पानी के अंदर तुम्हें अपनी शक्ल नजर आएगी। सच में? हाँ। मिठू तोता कोयल की बात मानकर ऐसा ही करता है। वो अपने आप को पानी में देख पाता है और सोचता है, सच में मेरा रंग तो बहुत खूबसूरत है, मुझे भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आज मैंने खुद को देख लिया है, शुक्रिया कोयल। दोनों बहुत खुश होते हैं। उड़ते उड़ते वो एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। उस पेड़ पर एक और तोता बैठा हुआ था। तब मिठू ने कहा, अरे अरे तुम क्या इस जंगल में नए हो? हाँ मैं भी नया हूँ, मैं शहर से आया हूँ, वहाँ पर मुझे किसी ने कैद करके रखा हुआ था,
मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। तुम्हें देखकर खुशी हुई दोस्त, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं। देखो कोयल, अब तो मुझे तालाब तक जाने की जरूरत ही नहीं। अभी मेरा नया दोस्त जो है ना, इसे देखकर मुझे लगेगा मैं खुद को ही देख रहा हूँ। हाँ ये ठीक रहा। और इस तरह मिट्टू को एक अच्छा दोस्त मिल जाता है और उसे समझ आ जाता है कि भगवान ने सच में उसे बहुत खूबसूरत बनाया है। लाला जी और गाय। सेठ करमचंद बहुत पैसे वाले थे। उनके घर में एक गाय बंधी रहती थी जिसका दूध वो पीते थे और घी बनाकर उसी का खाना घर में बनाया जाता था। ये गाय लाला जी के पास उनके पिताजी के जमाने से थी, इसीलिए वो गाय से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे लाला जी की उम्र बढ़ती जा रही थी। एक दिन लाला जी की पत्नी ने उनसे कहा, अब हमारी उम्र बहुत हो गई है, ये हमारी गैया भी बूढ़ी हो रही है, क्यों ना इसे किसी को दान कर दे जो इसका ख्याल रख सके। लाला जी नाराज हो जाते हैं। अरे भगवान, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम ये भूल गई कि इस गाय ने हमें कितना दूध घी दिया है। अब मैं तो बस एक बात कह रही थी, अगर आपको नहीं देना है तो रहने दीजिए। एक दिन लाला जी के घर में चोर आ जाते हैं। लाला जी एक दिन शहर से कुछ काम के लिए बाहर जाते हैं। चोर के आते ही गाय इतना शोर मचाती है कि सेठानी उठ जाती है। चोर चोर! लाला जी की पत्नी चोरों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें कैसे पता चला कि लाला जी आज घर पर नहीं है? देखो ज्यादा बकवास मत करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। इतने सारे जेवर लेकर क्या करोगे? चोरी करना बुरी बात है। अरे ये कोई उम्र है चोरी करने की? जाकर मेहनत मजदूरी करो। ये तो भला हो हमारी गाय का जिसने मुझे उठा दिया, नहीं तो आज अनर्थ हो जाता। देखो मैं कहती हूँ ये जेवर छोड़ो और जाओ यहाँ से। चोर अपनी आप बीती बताता है कि उसके बच्चे भूखे हैं, उसे मजबूरी में ये चोरी का काम करना पड़ रहा है। सेठानी को उस पर दया आ जाती है और वो कहती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, लेकिन ये जेवर यहीं छोड़ दो। आंगन में हमारी एक गैया बंधी हुई है, वो हमारे पास बरसों से है। लाला जी का लगाव उससे बहुत ज्यादा है। तुम चाहो तो उस गैया को ले जाओ, उसका दूध भी होगा घी भी होगा, तुम्हारे घर में अनाज की कभी कोई कमी नहीं होगी। चोर सेठानी के पैरों में गिर जाता है, उसका धन्यवाद करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगले दिन जब सेठ वापस लौटता है और गैया को वहाँ नहीं पाता तो वो बहुत नाराज हो जाता है। अरे भगवान, गैया कहाँ गई? तुम्हें गाय का ध्यान नहीं रख सकती? तब सेठानी उन्हें समझाती है, अजी बस भी करो, कितना दूध कितना घी उस गैया ने हमें दिया, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं। कल रात चोर आए थे, जानते हो पुश्तैनी हार, घर के सारे कागजात और ना जाने कितना पैसा ले जाने वाले थे। मैंने उन्हें रोका और इस गैया ने ही हमारी मदद की थी, मगर जानते हो उसकी आप बीती सुनकर मेरा मन पसीज गया और गैया मैंने उसे दे दी है। उसके बच्चे भूखे हैं, अगर आज हम किसी के घर में अनाज दूध इन सब का प्रबंध कर देते हैं तो कितना बड़ा पुण्य हमें मिलेगा। और आप ही तो कहते थे गौ दान से बड़ा कोई दान नहीं। हाँ तुम ठीक कहती हो। सेठ को गैया की याद तो बहुत आती है, वो उससे मिलने भी जाता है, मगर उस चोर को एक नौकरी देकर उसकी मदद कर देता है और गैया भी अपने साथ वापस नहीं जाता। ये तुमने बहुत अच्छा किया, आज मैं बहुत खुश हूँ।